हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक हील। स्ट्रेस आजकल हर किसी की लाइफ का पार्ट हो गया है। कोई किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस है, कोई पढ़ाई के लिए स्ट्रेस है, कोई जॉब में है तो स्ट्रेस है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो वो स्ट्रेस में है, घर के काम है तो स्ट्रेस है। तो आजकल हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो स्ट्रेस निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड स्विच वर्ड्स के जो मैजिकल वर्ड्स हैं, अगर आप उनको चैंट करें तो आप बहुत बेटर फील कर सकते हैं, आप हैप्पियर फील कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। स्विच वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं उसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप औरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। फर्स्ट वर्ड इज इंटीजर, इट मीन्स होल सेटिस्फैक्शन। कई बार हमें लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो उसको पाने के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग, और मेंटल स्ट्रेस से आप बाहर निकलेंगे। जॉय 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 करके भी आप चैंट कर सकते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती है, हैप्पीनेस बढ़ती है और आप बेटर फील करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज काम, इट मेक्स यू एट रेस्ट, योर माइंड बिकम्स स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट। डायनामिक इज अ वेरी गुड वर्ड, इट रिफ्रेशेज यू, रिवाइटलाइजेज यू, आपकी एनर्जी को अपडेट करता है। आप कभी थक रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत सारा ऑफिस में काम किया है, घर पे आके यू कैन चैंट दिस वर्ड, दिस इज अ वेरी अमेजिंग वर्ड, जस्ट ट्राई इट वंस। लाइट कर सकते हैं टू लाइटन योर मूड, मूड को, स्ट्रेस को निकालने के लिए, फील लाइट करने के लिए यू कैन चैंट लाइट लाइट लाइट। ऑयल, जिस तरह से ऑयल का यूज होता है स्मूथनेस लाने के लिए, तो इस तरह से आप अपने जो टेंशन्स को रिलीज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को आपको रिलीज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर और स्मूथ बना सकते हैं। कैंसर, कई बार आप किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, अनवांटेड जो कई बार गलत विचार मेरे माइंड में आ रहे हैं, जस्ट ये कैंसिल 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 कैंसिल। नेगेटिविटी आपको लग रही है, कैंसिल कैंसिल कर दीजिए। आप किसी गलत इंसान से मिले, आपको स्ट्रेस लग रहा है उसके बाद या नेगेटिविटी लग रही है, जस्ट ये कैंसिल कैंसिल। सो जो भी कनेक्शन आपने उससे बनाया है वो सब कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओपन, आप माइंड को फ्री करते हैं, ईजियर ब्रीथ के लिए यूज होता है, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और टेंशंस को रिलीज करते हैं। सेम वेज शेक का भी यूज होता है। ये सारे वर्ड्स रिलेटेड हैं, बट आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है आप उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड चैंट कर सकते हैं। यू कैन चूज एनी वर्ड, आप उसको चैंट करें, इट विल वर्क फॉर यू। शांति, जैसे कि आप सब जानते हैं शांति की, अपना स्ट्रेस को पीस लाने के लिए लाइफ में, रिलेशनशिप के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है स्ट्रेस को हटाने के लिए। सेरीन, रिलैक्स फील करने के लिए, वरीज जितने भी हम सबको रिलीज कर दें, हटा दें अपनी लाइफ से। एंड इसको आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, टेंशन में है या कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा है या फिर लाइफ में कोई इन्जॉयमेंट नहीं रहा है, देन यू कैन यूज दिस। सनराइज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस वर्ड, दिस यू कैन यूज इन एवरी सिचुएशन। सनराइज क्या होता है, जब हमारी लाइफ रात को अंधेरा होता है तो सुबह जब सनराइज होता है तो बहुत एक रोशनी आती है, तो इसी तरह से दिस वर्ड ब्रिंग्स लाइट इन योर लाइफ। लेजीनेस को हटाता है, लेथार्जी को हटाता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी को कम करता है, डार्कनेस को रिड्यूस करता है और न्यू होप, एनर्जी, हैप्पीनेस लाते हैं आपकी लाइफ में। तो दिस इज अ वेरी अमेजिंग वर्ड, यू कैन यूज दिस वर्ड फॉर एनी सिचुएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।